सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश होवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या फिर डी पार्ट में एरर है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मस्ट के जितने भी मॉडल होते हैं उसके बाद हमें पता है कि मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मस्ट के बाद अवॉइड क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज हुआ है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग, यानी यहाँ पर जिरेंट का राइडिंग भी जिरेंट का यूज हुआ है, ट्रेवलिंग भी जिरेंट का यूज हुआ है, तो सही यूज हुआ है। इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रस होवर, ठीक है, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्वाइट नहीं आएगा। देखिए, इस क्वाइट का मीन्स होता है शांत, ठीक है। इस क्वाइट का अर्थ क्या होता है, शांत होता है, लेकिन यहाँ पर शांत का अर्थ नहीं दे रहा है वो। यहाँ पर वो इम्पेसाइज करने का काम कर रहा है, यानी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को वो इम्पेसाइज कर रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वाइट आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये वाला क्वाइट आएगा, यहाँ पर एडवर्ब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है पूर्णतया, यानी ये इम्पेसाइज करने का काम करेगा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर इस वाले क्वाइट का यूज होगा, न कि इस वाले क्वाइट का। तो इसी पार्ट में एरर है, तो देखिए इसमें सी पार्ट में क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वो सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट यू लाइव्स, ठीक है, वी विल हैव लॉस्ट ओवर लाइव्स। देखिए, जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे उस वक्त मैंने आपको तीन सिचुएशन बताई थी, यानी कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के फॉर्मेट में हो सकते हैं। पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और अगला सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, उसके आगे क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पर हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, वी वुड हैव लॉस्ट होगा, यानी वुड हैव लॉस्ट होगा, विल हैव लॉस्ट नहीं होगा, वुड हैव लॉस्ट आएगा। तो विल के स्थान पर क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट्स एट ऑल। देखिए, फील्ड मीन्स होता है गिराना, और एक साथी को अगर कोई काट कर गिराता है तो उसको हम फील्ड वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, सम के बाद हमेशा क्या आता है, पुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, सम के बाद हम पुलर नाउन का यूज करते हैं। तो ट्रीज क्या, पुलर नाउन। देखिए, हार्डली के बाद मैनी का यूज नहीं होता है, हार्डली के बाद किसका यूज होता है, हार्डली के बाद एनी का यूज हम करते हैं, हार्डली के बाद हमेशा एनी का यूज होगा। तो इसी पार्ट में एरर है। देखिए, वैसे भी हम देखें तो हमें पता है कि मैनी के बाद पुलर नाउन का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर एफर्ट क्या है, सिंगल नाउन होती है, तो वैसे भी एरर हो गया। लेकिन हमें इतना याद रखना कि हार्डली के बाद हमेशा एनी आएगा, न कि मैनी। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, ठीक है। तो हमें बताना कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। तो देखिए, द रिवर क्या है, सिंगल नाउन है, इसके साथ सिंगल वर्ब का यूज हो गया, टू हैव गॉट इट इज नेम सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार के एरर की, किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, यहां पर देखिए, लैक से क्या है, दो नाउन जुड़े हुए हैं, लैक उसके आगे रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल। तो जो इसके पहले वाला जो नाउन होगा उसके अनुसार किसका यूज करेंगे, हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीड ना आगे लीड्स आएगा, यानी एस लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि लेक क्या है, सिंगल नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर सिंगल वर्ब का यूज होना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि
अगर वेब में एस या एस लगता है तो वो वेब कैसी होगी? सिंगल वेब होगी। तो यहाँ पर किसी पार्ट में एरर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। देखिए हमें पता है कि देन के साथ यानी कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ देन का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। ग्रैंडेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो यहाँ पर ग्रैंडेस्ट ना होगा ग्रैंडर होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए इट क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ सिंगल वर्ब का यूज होगा, ना कि हैव का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, है जाएगा। हैव के स्थान पर क्या आएगा, है जाएगा, तो इसी पार्ट में एरर है। तो जो इसका आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए हमें पता है कि एपोस्ट्रोफ का हम यूज कब करते हैं, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार दर्शाते हैं। जैसे मैं कहूं कि राहुल्स बुक, क्योंकि राहुल्स बुक यानी बुक किसकी है, राहुल की है, तो यहाँ पर टीचर्स क्या पोजीशन नहीं दर्शा रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ की यूज करने की जरूरत नहीं है, तो इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी टीचर्स ही आएगा, न कि टीचर्स के साथ एपोस्ट्रोफ भी लगा होगा, यानी ओनली टीचर्स ही आएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद अवर कॉफी सर, आस्क्ड द वेटर। अब एक चीज याद रखिए, हम अक्सर देखते हैं, अक्सर पढ़ते हैं कि वुड यू लाइक होता है, वुड यू लाइक्ड नहीं होता है, वुड यू लाइक होता है। तो यहां पर क्या होगा, इसी पार्ट में एरर है, वुड यू लाइक होगा यहां पर। और वैसे भी आपको पता है कि जितने भी मॉडल होती हैं, जितने भी क्या होती है मॉडल्स होती हैं, उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर लाइक्ड ना आकर लाइक आएगा, क्योंकि लाइक्ड क्या मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर लाइक आएगा, वुड यू लाइक। हम अक्सर भी वैसे भी हम अक्सर वुड यू लाइक यूज करते हैं, और वैसे भी मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इसी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर होगा तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। प्रोज और कॉन्स मतलब होता है पक्ष और विपक्ष किस चीज का, यानी कोई भी चीज होती है उसका एक पक्ष भी होता है और उसका विपक्ष भी होता है। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फ्रेज है जिसका अर्थ होता है पक्ष एंड विपक्ष। ठीक है, द सुपरवाइजर सिंगल वर्ब है, वांटेड एंड सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। देखिए हमें पता है कि वांट के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो नोन आकर क्या आएगा, टू नो आएगा, यहाँ पर टू नो आएगा, तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। ठीक है, क्लोज द लिड, देखिए लिड क्या होता है, लिड होता है एक ढक्कन होता है, किसी चीज के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको हम लिड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रमन पुटेड, पुटेड नहीं होगा, देखिए पुट होता है वर्ब, उसकी तीनों फॉर्म समान होती है, पुट पुट और पुट ही होती है, यानी पुट ही मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, पुट ही मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पुट ही मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर पुट आएगा ना कि पुटेड आएगा, तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन से डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। अब देखिए इसमें देखिए द रिक्रूटर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, सॉरी पुलर क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ पुलर वर्ब का यूज हुआ, सही हुआ। देखिए प्लीज्ड के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होगा, प्लीज्ड के साथ हमेशा हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर टू ना आकर क्या आएगा, विद प्रीपोजिशन आएगी, तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए, सॉरी बी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स।
देखिए आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा कि अलोंग विद का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राकेश इज कमिंग अलोंग विद राहुल, यानी राकेश से राहुल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग के साथ विद का और हमें यूज करना है, ठीक है। तो अलोंग विद यहाँ पर यूज होगा, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स होगा इसका राइट, जो राइट सेंटेंस होगा वो ये होगा अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल किड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए द सी हैज सिंगल सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगल वर्ब हो गया, बिकम मुख्य थर्ड फॉर्म सही है। अब देखिए एन चीप नहीं होगा, मैंने आपको आपने आपको आर्टिकल में मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड का जो पहला पहला जो लेटर है वो कॉन्स्टेंट है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर हम सॉरी किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, यानी किसी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्स्टेंट है तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, और अगर वो बोल आ रहा है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए तो पहला लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो यहां पर एन ना होकर ए होगा इसका, ठीक है। करेक्शन क्या होगा, ए होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लीड टू सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर एरिया। तो देखिए सेंटेंस हमें देखने से पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज लीड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर एरिया, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी हैज लीड आएगा यहाँ पर, ठीक है।